सिमरन, मैंने उसे सब जगह ढूंढा, जहां वो जाया करता था, उसके दोस्तों के घर, जहां वो पहले काम करता था, यहां तक कि मैं तो उस डांस बार भी गया था जहां वो सुजाता नाम की एक बारगर्ल से मिलता था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब से उसे बेल मिली है ना, तब से ना वो किसी से मिला है और ना ही कोई उससे मिला है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ढूंढूं तो ढूंढूं कहां। जाएगा कहाँ? ज़रूर मिलेगा। आपने कोशिश की है और कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, हम लोग कुछ और सोचते हैं। वकील, कोई जाने ना जाने उसके वकील को जरूर पता होगा कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। आप सिर्फ इतना पता कीजिए कि उस वकील का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। Thank you. अरे भाई, रोहन कहाँ है? आज सुबह से ऑफिस भी नहीं आया, कहाँ रह गया है वो? पता नहीं कहाँ है वो, ना उससे फोन किया है ना ही फोन उठाता है। मम्मी जी, आज सुबह उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग है, हो सकता है उस मीटिंग के वजह से वो फोन नहीं उठा रहे हो। आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खाइए और आराम से सो जाइए, मैं यहाँ उनके लिए वेट करती हूँ। सब लोग आपके लिए वेट कर रहे थे। ये क्या, आपने शराब पी है?
सुनिए, संभल के। मत छुओ मुझे। रोहन, डोंट यू टच मी। इनका स्पर्श मेरे लिए सह। नाटक करती हो तुम पवित्र होने का सिमरन। शर्म आती है मुझे तुम पर। तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। क्या क्या कहा तुमने? इल्जाम? माइंड ब्लोइंग। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं तुम पर। मैंने खुद अपनी आंखों से जो देखा है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। जो तुमने मुझसे छिपा के रखा, तुम मेरे जीने का वो मकसद थी। मेरा प्यार थी तुम, रोहन ओबेरॉय का प्यार थी तुम। थी क्योंकि ऐसा तुम्हारा भाई के साथ क्या रिश्ता तुम्हारे भैया के साथ। तुम रोहन ओबेरॉय का प्यार थी। मैंने जो भी चाहा वो भी हो सका ना। अपना मेरी डोली तेरे अंगना सजना। क्यों हुआ अंगना सजना। रोहन ने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो वो ऐसा सोचने में मजबूर हुए? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हर गलतफहमी को दूर करूंगी, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि शक की एक लहर उसे बाहर ले जाए। मैं हर हाल में इस रिश्ते को बचाऊंगी। अब आप ही मेरा सहारा है। अब आप ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे।
अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। हम दोनों पति पत्नी के बीच जो गलत फहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर सकूं, जो दूरियां आ गई हैं, उन्हें खत्म कर सकूं। भाभी, नाश्ता तैयार है? हाँ, आ रही हूँ। ठीक है। मैम, मैं यहाँ आपसे लड़ने या मुकदमा करने नहीं आया, मुझे सिर्फ उस इंजीनियर का एड्रेस चाहिए। आपको एड्रेस चाहिए तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी में ढूंढिए ना, मेरे पास क्यों आए हो? देखिए, आप उसकी लॉयर हैं, आपके पास उसका एड्रेस जरूर होगा, आप प्लीज मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो मेरा क्लाइंट है और मेरे क्लाइंट के डिटेल्स देना। मैडम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं आप पे मुकदमा करूंगी। प्लीज भाई साहब, ये जो सामने वकील मैम है, ये रहती किधर है? यही रहती है, नीचे ऑफिस है, ऊपर मकान है। लाइए मम्मी जी, मैं सर्व करती हूँ। सिमरन, क्या मान, तुम्हारी आंखें इस तरह सूजी हुई क्यों है? अरे भाई, रोहन कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दिया, आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। वो तो अभी तक सो रहा है। अरे भाई, सो रहा है तो जगाओ उसे। अर्पिता जी, जाओ बेटा, रोहन को जगाओ। अब आप रहने दीजिए, मैं जाके जगाती हूँ। सिमरन, तुम यहाँ मेरी मदद करो ना, जाओ अर्पिता। लो, रोहन आ गया। रोहन, क्या बात है? कुछ नहीं मामा, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सिमरन, जाओ रोहन को नाश्ता दो। सिमरन भाई, कहाँ खोयो? कुछ सोच रही हो क्या? लगता है रात को ठीक से सोई नहीं हो। कमाल है, रोहन भी चुप है, तुम भी चुपो। रोहन के सिर में दर्द है, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मुझे तुम्हारा डायमंड नेकलेस चाहिए। अरे टेंशन मत लो, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत अपनी ज्वेलरी और अपना पति कभी शेयर नहीं कर सकती। एनीवेज, मैं तो इसलिए मांग रही थी कि मैं एग्जैक्टली सेम नेकलेस करवाना चाहती हूँ। सबका नाश्ता हो जाए फिर मैं ले आती हूँ। अभी दे देती तो बेटर होता, रोहन मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देगा। ज्वेलर के वहाँ? ठीक है, मैं अभी ले आई। रुहान,
पता नहीं आजकल आजकल रोहन का मन घर में नहीं लगता। देखो ना सिमरन, मैंने रोहन से कितना कहा, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन नहीं, नहीं रुका। तुम्हें पता है कि रोहन इस घर से क्यों भाग रहा है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? क्या तुमने उससे कुछ कह दिया? या फिर दोनों ने एक दूसरे से कह दिया? शादी की गाड़ी ठीक से पटरी पर चल रही है ना सिमरन? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी सिमरन, ये तो शुरुआत है, सफर अभी बहुत लंबा है। अगर अभी से चुप हो जाओगी तो फिर मजा कैसे आएगा।